हमें क्यों आवश्यकता है भजन की, हम क्यों भगवत प्राप्ति करें, क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, कि ये जो मुझे स्वीकार कर रहे हैं मेरे धन के लिए, मेरे किसी पावर के लिए या किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं है? अगर है तो नहीं बनाना चाहिए गुरु। श्री गुरु जी का ये प्रवचन हर प्रभु भक्त को बहुत बड़े धोखे और षड्यंत्र से बचा सकता है। इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने भगवत प्राप्ति के उपाय तो बताए ही हैं, साथ ही बताया है कि सही मार्गदर्शन के लिए सच्चा गुरु ना मिले तो क्या हानि होती है, और एक सही गुरु की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, जानिए इस सुंदर प्रवचन में। राधे राधे। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की, हम क्यों भगवत प्राप्ति करें, क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में बैठी हुई वो नष्ट हो जाती है, और निश्चय होने लगता है कि भगवत प्राप्ति और भजन ही यही जीवन है। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभुशुंड जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर हंस रूप में वहां जाके सुनते हैं, क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो फिर उनको खड़े होकर के आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदि महादेव विराजमान है उनके सामने कैसे, तो हंस रूप में। कहीं भी भगवत चर्चा हो हरि की तो भगवान के परम प्रेमी महान भक्त जो अव्यक्त रूप से वो सुनते हैं, कहीं भी भगवत चर्चा हो हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बैठकर सुनते हैं चुपचाप, गुप्त रूप में आकर के, ऐसे कि जैसे हम जान ही ना पावे ऐसे बैठ के सुनते हैं। सबसे पहला मन को रोकने का आधार है सत्संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। कई जैसे उपासकों ने बाहर के प्रश्न किया कि हम श्री जी को नहीं जानते, क्या संप्रदाय है, क्या उपासना, हम ये भी, हम तो बस आप और आपकी बात को मानते हैं, हमारे सामने आप हैं और आपकी बात है, बात बन गई, क्योंकि आपने आधार ले लिया ना। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती दास दासोहम वृत्ति से। दूसरा आधार प्राप्त होता है भक्त प्रियता। भक्त प्रियता का तात्पर्य होता है उनके शरीर से राग नहीं, उनके द्वारा जो दिया हुआ उपासना का स्वरूप है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। भक्तों के संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का संग का जब रंग चढ़ेगा तो वो अपने स्वामी के दरबार में ले जाने लायक बनाएंगे, हमारे मालिक के दरबार में दैन्य का प्रयोग होता है, हम का नहीं, जिनको दीन प्यारे हैं। तो संत जन क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं। अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख जाए तो अन ऐसे अहंकार उड़ता, तो हम दूसरी जगह देख लेंगे, और जहां वो दूसरी जगह खड़ा दिखाई दिया गया, मार्ग गया। अब नहीं, सब जगह से भाग करके एक ही उपाय है, महारानी की शरणागति। सब जगह से खुला मार्ग है, अगर कहीं पंक्ति से बिलग हो गए आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आधार अब मन का आपका अहंकार होगा, वो अहंकार आपको नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। किसी ने पूछा था हमसे, धनी थे, कि हमारी वृत्ति रही है बहुत दान देने की, हम क्या करें, क्योंकि उसके कारण बहुत लोगों का सानिध्य रहता है, बोला उसको उठा के यमुना जी में फेंक दो, जितने से तुम्हारी नमक रोटी चले उतना रख लो, देने लायक तुम मत रहो, क्योंकि ये देने की तुम्हारी अहंकार वृत्ति सतमार्ग से तुम्हें विचलित कर देगी, भगवत मार्ग से विचलित कर देगी। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने के लिए दैन्यता चाहिए, और दैन्यता भी ऐसी कि देने की स्मृति भी ना रहे, देने की स्मृति भी ना रहे, मैंने कुछ दिया है और एहसान माने कि मेरी मानी हुई मान्यता को इन्होंने स्वीकार कर लिया, अहो भाग्य जिसे मैं ढो रहा था उसको इन्होंने मिटा दिया। जो तुम्हारे अनुकूल बर्ताव करे सदैव, तो आप निश्चित समझ लेना आपका दरबार में प्रवेश नहीं होगा, बात समझ लो हृदय से, आपका कल्याण नहीं होगा।
क्योंकि जगत में यही तुम्हें मिलता रहा है, उसी से तुम्हारा मलिन अहंकार पुष्ट हुआ है, अब उसके नष्ट होने का अवसर मिला है क्योंकि भक्त संग मिला है। जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए क्योंकि गीता भागवत वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते। सुनते तो सब हैं, ध्यान रखना रंग उसी के ऊपर। एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब संत महात्मा बोलते तुम उसे ऐसा मत समझना कि इनका नशा है बोलना, एक एक शब्द बस पकड़ लो। अगर तुम उसे उपहास में ले लोगे तो कहते ही रहते तो माया घसीट के वहां खड़ा कर देगी। अब ना पीछे के रह गए जो मंत्र जपते थे वो नहीं चलेगा क्योंकि तुमने दूसरा मंत्र ले लिया, और जहां मंत्र लिया वहां अपराध बन गया, अवज्ञा बन गया। अब ये भी नहीं चलेगा, वो होगा क्या? विषय चिंतन और लोक रिजावा खत्म, परमार्थ खत्म। अध्यात्म यहां प्रकाशित होता है। गुरु आज्ञा से चलो आपको मार्ग अंदर दिखाई देगा, शुद्ध दिव्य मार्ग, ये मार्ग चल रहे हैं। भक्ति साधन को मामूली साधन मत समझो। जो महाप्रेम प्रकट करके भगवान को अधीन कर दे उसके लिए सिर्फ तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा होगी, ध्यान रख, सिर्फ अनन्यता की। आप अनन्य, अनन्यता होए अनन्य एक व्रत गहाओ, बस इतनी केवल मांग है। गीता जी में देख ले भगवान ने बहुत बार अनन्यता के लिए कहा। साधन में योग्य सदगुरुदेव ही परमार्थ हैं। योग्य शब्द इसलिए यान महापुरुषों की बाड़ी है इसलिए लगाया कि पहले गुरु संग करना, पहला ही आधार बताया गया सत्संग, कि संग से ये देखना है कि ये जो मुझे स्वीकार कर रहे हैं मेरे धन के लिए, मेरे किसी पावर के लिए या किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं है। अगर है तो नहीं बनाना चाहिए गुरु। यदि हम जिनके पास गए हो हमारे पद का सम्मान कर रहे हैं, हमारी भोग सामग्री का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर बात गड़बड़ है। ठीक, शिष्य बनने के लिए केवल उसकी भगवत प्रियता देखी जाती है। क्यों मंत्र लेना चाहते हो? भजन करके भगवत प्राप्ति, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता। तुम व्यापार करते हो, तुम नौकरी करते हो, तुम क्या, नहीं तुम कौन हो क्या? कुछ मतलब नहीं। किस कुल के, कितना पढ़े लिखे, कितना ईश्वर है, ये सब अगर पूछा जाता है तो बात कुछ और है। केवल पूछा जा, देख, संत केवल देखता है किस उद्देश्य से तुम दीक्षा लेना चाहते हो। हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा कल्याण, अधिकारी हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, हमारा जीवन सार्थक हो, हम धर्म से चले, सत्य से चले, बस इतना परिचय। आप जो भी हो मेरे प्रभु के अंश हो, जहां के भी हो हमारे प्रभु की गोद में हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतना परिचय आवश्यक है। ये भगवत मार्ग है, इसलिए कह रहे हैं भगवत मार्ग प्रकाशित होता है गुरुदेव से, पर योग्य गुरु आवश्यक है। यदि गुरु ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करो उनका नाम जप करते हुए कि मुझे गुरुदेव रूप से मिलो। भगवान के नाम का आधार पकड़ो और उनसे प्रार्थना करो कि कोई वैष्णव, कोई परम हंस, कोई भगवत प्रेमी महात्मा जो आप में रमण कर रहा है, आप जिसके हृदय में खेल रहे हैं, मुझे परिचय नहीं, आप मुझे मिलाओ। भगवान मिला दे, या वो स्वयं आके वरण कर लेंगे या वहां पहुंचा देंगे। अपने आप से निर्णय मत कीजिए, आज बनाया कल छोड़ दिया, ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है, इसमें अपराध बनेगा और आपका चांस जो भगवत प्राप्ति का है वो मुश्किल हो जाएगा। पूज्य श्री गुरु जी के इस सुंदर प्रवचन से अवश्य ही आपको अपार आनंद मिला होगा। आप इस प्रवचन से मिले आनंद और ज्ञान को हमारे परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। हम सबको प्रभु भक्ति का सुंदर ज्ञान श्री गुरु जी के मुखारविंद से ऐसे ही मिलता रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, भगवान से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।